हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। गाइस, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी लोग का स्वागत है। तो आज मैं बनाने वाली हूँ मेथी की और हल्दी की फेस पैक, और मैं उसे अपने फेस पे अप्लाई भी करके दिखाऊंगी। तो आप बने रहिए हमारे वीडियो में और देखते रहिए लास्ट तक। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो फाइनली गाइस, देख सकते हैं मैं मेथी ले ली हूँ। ये मेथी गाइस मैं रात भर भिगो के छोड़ दी थी, यानी कि कल शाम को मैं इसको छोड़ दी थी भिगो के। यह पूरी तरह से देख सकते हैं भीग गया है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए बहुत ही अच्छी तरह से एकदम स्मूथ तरीके से ये फूल के एकदम, ये देखिए ये मेथी के जो दाने हैं वो अच्छे तरीके से फूल गए हैं और बड़े बड़े हो गए हैं। तो गाइस, इसको हम एक मिक्सर जार में इसको पीस लेंगे। तो फाइनली गाइस, मैं ले ली हूँ एक मिक्सर जार, और इसमें मैं ये जो मेथी के दाने हैं और जो ये वाटर है यानी कि पानी, इसको मैं सभी डाल दूंगी। पानी निकालना नहीं है गाइस, आप थोड़े से ही पानी में इसको भिगो के रखें। तो गाइस देख सकते हैं, अभी मैं मिक्सर जार में मेथी को डाल ली हूँ और इसको मैं पीस लेती हूँ। इसको आप अच्छी तरीके से पीस लीजिए। तो फाइनली गाइस देख सकते हैं, ये मेरा फेस पैक जो है वाकई हो गया है रेडी, मतलब कुछ मंजिल पे पहुंच गया है। तो गाइस देख सकते हैं, ये बहुत ही अच्छी तरीके से मेथी के दाने थे उसका पेस्ट अच्छी तरह से तैयार हो गया है। तो गाइस आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से पेस्ट तैयार हो गया है। तो हम लेंगे वही कटोरी जिसमें हम मेथी भिगो के रखे थे, और उसमें सारे जो मेथी के पेस्ट हैं उसको निकाल लेंगे। और इसमें निकालने के बाद गाइस हम इसमें मिक्स करेंगे हल्दी, क्योंकि गाइस हम ये जो मेथी का पेस्ट है इसे मैं दो चीज़ यानी दो इंग्रेडिएंट से अपने स्किन पे लगाने वाली हूँ इस पेस्ट को। तो चलिए गाइस फटाफट हम ले लेते हैं एक हल्दी। आप कोई सा भी हल्दी ले सकते हैं, हल्दी तो सभी के घर में उपलब्ध रहता है। जो गाइस आप खाने में यूज करते हैं हल्दी, उसका भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर गाइस आपका स्किन ड्राई है तो आप कोकोनट ऑयल या नारियल का तेल भी इसमें आप मिक्स करके अपने स्किन पर अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए गाइस देख सकते हैं, मैं एक चम्मच ले ली हूँ जो कि हल्दी पाउडर। अब इसको अच्छी तरीके से मैं इसमें मिक्स कर देती हूँ, ताकि जो यह मेथी का पेस्ट है और हल्दी है वह एक जैसा हो जाए, स्मूथ तरीके से एक में मिक्स हो जाए। तो चलिए गाइस फटाफट इसको हम मिक्स कर लेते हैं। सो गाइस, मेरा जो मेथी और हल्दी का फेस पैक था वह बनके रेडी हो गया है। अब मैं इसको अपने स्किन यानी चेहरे पे अप्लाई करने का तरीका बताती हूँ। तो गाइस ये देख सकते हैं, मैं एक कटोरी में ले ली हूँ फेस पैक को। इसको गाइस अपने स्किन पे अप्लाई करने से पहले गाइस आप अपने बाल जो हैं उसको अच्छे तरीके से सेट कर लीजिए, ताकि बाल डिस्टर्ब ना करे फेस पैक लगाते समय, क्योंकि गाइस फेस में कुछ लगाने लगो तो बाल जो हैं वो ज़्यादा डिस्टर्ब करते हैं। तो गाइस फाइनली मैं अपने बाल को तो सेट कर ली हूँ, बट ये जो आगे का है थोड़ा बहुत इसको सेट कर देती हूँ। इसके बाद गाइस मैं फेस पैक को अपने स्किन पे अप्लाई करती हूँ। सो गाइस, ये जो चम्मच था जिससे मैं पेस्ट को मतलब फेस पैक को मिक्स की, मैं उसी से इसको स्किन पे अप्लाई मतलब लगाने की कोशिश कर रही थी, बट ये स्किन पे चिपकी नहीं रहा था, चपन नहीं रहा था। तो गाइस मैं अपने हाथों से ही इसको लगाने की मतलब हाथों से ही मदद ले ली लगाने के लिए। तो फाइनली गाइस आप अपने हाथों से भी लगा सकते हैं, या फिर गाइस आप ब्यूटी ब्रश भी ले सकते हैं, ब्रश से भी अपने स्किन पे या फेस लगा सकते हैं। तो गाइस आप देख सकते हैं, मैं हाथों से ही स्लो स्लो मोशन में अपने स्किन पे स्क्रब कर रही हूँ, क्योंकि गाइस मैं स्क्रब भी नहीं की थी एक हफ्ते दो हफ्ते से। तो मैं इसी साथ स्क्रब भी कर लेती हूँ। इसके साथ गाइस स्क्रब करने से आपका स्किन जो है वह अच्छी तरह बेदाग और टाइट और सुंदर दिखेगा। स्क्रब करना बहुत ज़रूरी रहता है गाइस, आप हफ्ते में एक बार जरूर स्क्रब करिए। तो फाइनली गाइस 5 मिनट तक हम अपने स्किन को स्क्रब कर लेंगे स्लो स्लो मोशन में। हम कुछ इस तरीके से मसाज कर लेंगे अच्छी तरीके से। ये जो गाइस मेथी के पेस्ट का मसाज करने का तरीका है, वह आप किसी भी डायरेक्शन में मसाज कर सकते हैं। आप मसाज करेंगे वह सीधा जो इफ़ेक्ट है वो आपके स्किन पे ही जाएगा, वह आप किसी भी मोशन में यानी किसी भी तरीके से आप मसाज कर सकते हैं। तो फाइनली गाइस अभी जो मेरा स्किन में था फेस पैक वह हो गया है पूरा। अब मैं अपने नेक एरिया यानी कि गर्दन पे भी इसको अप्लाई कर लेती हूँ। उसके पहले गाइस हम ये जो मेथी का फेस पैक है इसको फॉरहेड्स यानी कि अपने माथे पे भी अच्छी तरीके से मसाज करते हुए इसको अप्लाई कर लीजिए, क्योंकि गाइस आप जितने अच्छी तरीके से इस पैक को अपने स्किन पे अप्लाई करेंगे उतना रिजल्ट आपको अच्छा देखने के लिए मिलेगा। यह फेस पैक जो है गाइस आपको हफ्ते में 2 से 3 बार अप्लाई करना है, एक दिन गैपिंग करके आपको इस पैक को इस्तेमाल करना है। अगर आप इस फेस पैक को हफ्ते में एक दिन या
हम महीने में एक दिन लगाते हैं तो वह रिज़ल्ट आपको अपने स्किन पे देखने के लिए नहीं मिलेगा। हफ्ते में आप अगर 2 से 3 बार लगाते हैं तो आप देखेंगे कि आपका जो स्किन है एक हफ्ते के अंदर ही आपका स्किन दाग एंड पिंपल एंड छुरियों से जो छुटकारा है वह आसानी तरीके से पा जाएंगे और आपका स्किन जो है अच्छी तरीके से ग्लो करेगा। तो गाइस आप इस पैक का इस्तेमाल हफ्ते में 2 से 3 बार अवश्य करें। यह मेथी का पेस्ट जो है गाइस हमारे त्वचा पे लगाने से हमारा स्किन जो है वह बेदाग और सॉफ्ट रहता है, यानी कि मुलायम रहता है। इसके साथ ही गाइस मेथी के दाने के पेस्ट का उपयोग करने से हमारे स्किन में होने वाले प्रॉब्लम्स जैसे चेहरे पर पिंपल का होना, शरीर पर डार्क स्पॉट होना, गर्मी के मौसम में गाइस हमारा जो स्किन है वह सनबर्न हो जाता है, बेचैन त्वचा हमारी बहुत ही रूखी सूखी हो जाती हैं, तो उस समय आप इस मेथी और हल्दी के पेस्ट का ज़रूर उपयोग करें। इससे आपको बहुत मदद मिलेगा, आपका स्किन जो है वह अच्छी तरीके से शाइनिंग करेगा। सो गाइस फेस पैक मैं अपने स्किन पे अच्छी तरह से अप्लाई कर ली हूँ। इसके बाद गाइस हम मिलेंगे आपसे 10 मिनट बाद, क्योंकि गाइस यह जो फेस पैक है वह 10 से 15 मिनट के बाद ड्राई हो जाएगा, सूख जाएगा और अच्छी तरह से हमारे स्किन में अब्सॉर्ब हो जाएगा। तो गाइस चलिए मिलते हैं आपसे 10 मिनट बाद। सो गाइस फाइनली अभी 10 मिनट हो गए हैं और मेरा स्किन जो पूरी तरह से ड्राई हो गया था, मेरे से आवाज़ भी नहीं निकल रहा था। तो गाइस हम लेंगे एक हंकी और हंकी के मदद से स्लोली स्लोली हम अपने जो फेस पैक है उसको रिमूव करेंगे। तो गाइस देख सकते हैं अच्छी तरीके से रिमूव हो गया और मेरा जो स्किन है वह शाइनिंग कर रहा है। तो गाइस हम इसको जो तौली है जो हैंकी है इसको पानी में भिगोएंगे और पानी को निचोड़ करके, मतलब पानी जो ज़्यादा है उसको निचोड़ देंगे, हल्के पानी से ये जो हमारे फेस पैक है स्किन पे उसको रिमूव करेंगे यानी निकालेंगे। सो गाइस फाइनली रिजल्ट देख सकते हैं जो कि आपके सामने है, मेरा स्किन कितना शाइनिंग और ग्लो कर रहा है। क्योंकि गाइस इस समय मैं कोई भी मेकअप या सीरम या सनस्क्रीन या मॉइस्चराइजर कोई भी अपने स्किन पे अप्लाई नहीं की हूँ, मैं आपके सामने देख रहे हैं पानी से रगड़ के अपना जो स्किन है वह साफ करके आपको दिखा रही हूँ। तो गाइस आप देख सकते हैं ये जो प्रोडक्ट्स है यानी कि जो घरेलू नुस्खा है वह कितना काम कर रहा है। तो गाइस इसका अभी आप इस्तेमाल करिए और आपके स्किन पे कितना फ़ायदा हुआ आप मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड अपना ख्याल रखिए।